हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मरियम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे हलीम, जिसे हम खिचड़ा भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनेगा। आप इस रेसिपी को मुहर्रम पर जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल में गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 से 2 तेज पत्ते, 1 धगड़ फूल, 1 से 2 दालचीनी, 5 से 6 लौंग, 1 टेबलस्पून शाही जीरा, 15 से 20 काली मिर्ची, 1 पीस सॉल्ट, 1 पीस जोजा इलायची, 1 जावित्री। इन सबको डालकर तड़का लेंगे। गरम मसाले तड़क चुके हैं। अब हम 1 केजी मटन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मटन को हमने वॉश कर लिया था। यहाँ पर हमने 5 से 10 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 10 से 12 प्याज बारीक कटे हुए, 8 से 10 टमाटर कटे हुए डालकर मसाला ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। दो टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 2 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब हम 8 से 10 विस्टिल सीटी लगा लेंगे। 8 से 10 सीटी लग चुकी है। हमने प्रेशर कुकर को ठंडा कर लिया था। मटन बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम दाल ऐड करेंगे। 2 कप मसूर दाल, 2 कप चना दाल, 2 कप उड़द दाल, 2 कप अरहर दाल, 2 कप दलिया, 1 कप मूंग दाल प्रेशर कुकर में डालेंगे। दाल को प्रेशर कुकर में डालकर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, 2 से 3 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 5 से 6 विस्टिल सीटी लगा लेंगे। 5 से 6 सीटी लग चुकी है। देखिए, दाल अच्छे से गल चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम 4 से 5 कप पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। दाल घुट चुकी है। अब हम पतीले में घुटी हुई दाल ऐड करेंगे। अब इसमें मटन डालकर मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब हम थोड़ा सा पुदीना, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसे 10 से 15 मिनट तक दम पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हलीम बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग के लिए बाउल में निकाल लेंगे। अब हम हलीम पर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जलजीरा पाउडर डालकर गार्निश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हलीम बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। तो आप भी इस रेसिपी को मुहर्रम पर जरूर ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।